गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम अगेन इन पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर सेकंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में अधिकार। देखिए, इससे पहले वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट में बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने हमारा संविधान कैसे बना, हमारी संविधान सभा की संरचना कैसे हुई, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या लिया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये जो चैप्टर है स्पेशली डिपेंड्स ऑन राइट्स यानी अधिकार। ये देखिए अधिकार, आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स का नाम सुना होगा, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आइए देखिए, यहाँ से स्टार्ट हम करते चैप्टर को। Rights are those conditions of social life without which a person cannot develop her personality. यानी अधिकार वे परिस्थितियां हैं सामाजिक जीवन में जिसके बिना इंसान जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं कि जिस समाज के हम अंदर रहते हैं उस समाज में अगर हमारी कुछ स्वतंत्रताओं को बाधित कर दिया जाए या हम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं। राइट्स आर द ट्रू गारंटी फॉर द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी। यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है, अधिकार तो वास्तव में हमें एक सच्ची गारंटी इस प्रकार से सफलता के लिए देते हैं कि हम लोकतंत्र के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर हमें इस बात का पता लगा बेटा कि अधिकार जो हमारे राइट्स हैं इनके बगैर अपना विकास करना असंभव है। आइए कुछ हमारे हम कहेंगे कि भाई पॉलिटिकल साइंस के जो मेन है उनके द्वारा कुछ डेफिनेशंस दी गई है। एक डेफिनेशंस मीनिंग ऑफ राइट्स किस तरह उन्होंने क्लियरिफाई किया है, अकॉर्डिंग टू लास्की, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने कॉपी में डालनी है। राइट इम्पैक्ट आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन सिक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट। लास्की के अनुसार अधिकार हमारे पास वे परिस्थितियां हैं सामाजिक जीवन की जिनके बिना कोई भी आदमी जो है सामान्य तौर पर अपना बेस्ट, अपना हुनर नहीं दर्शा सकता है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने उप में उतारनी है। उसके बाद आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेचर ऑफ राइट, अधिकारों का नेचर क्या होता है। तो यहां पर हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ डेफिनेशन सर्टेन जनरल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द नेचर ऑफ राइट, दीज इंक्लूड्स। उसमें ये चीज हमारे पास इंक्लूड है। अभी थोड़ी देर पहले हमें जैसे आपने मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, राइट्स इन देयर नेचर आर द रिजल्ट एंड एम्बोडीमेंट इन ए पर्टिकुलर पर्सन ऑफ द जनरल सिस्टम ऑफ आवर राइट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम रॉन्ग ऑन विच ही स्टेट एंड इट्स लॉ आर बेस्ड। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कानून हमारे पास इस तरह से है जिस तरह से किसी भी विशेष व्यक्ति या हम कहें हमारा जो सामान्य एक सिस्टम जो है उसमें अधिकार जो है वो उसकी रक्षा कर सके या उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सके। आइए सबसे पहले अब हम थोड़ा सा डीपली जाएंगे इन अधिकारों के बारे में, सबसे पहले किसने कहा और अधिकार जरूरी क्यों हुए। तो मैं आपको बता दूं, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की एक ऐसी सूची है जिसमें अधिकारों की जिसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों के घोषणा पत्र सरकार की नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारा हेडिंग आता है। भारतीय संविधान में अमौलिक अधिकार, मैं सबसे पहले बता दूं आप लोगों को, ये जो हमारे पास मौलिक अधिकार है सबसे पहले 1928 में मोतीलाल
नेहरू ने इसकी मांग की, अधिकारों के लिए घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, तो सबसे पहले उन्हीं को ये क्रेडिट दिया जाता है। अतः स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा में अधिकारों का समावेश करके इन्हें सुरक्षित करने पर भी सभा की राय एक थी, यानी सभी लोग चाहते थे कि भाई हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकार हो। मौलिक अधिकारों के बगैर इनका, हम ये कह सकते, किसी भी नागरिक का उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट आता है, इसके बारे में तर्क क्या देते, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट प्रोवाइड्स देम, ये मौलिक अधिकार जो है स्टेट जो है वो इसे प्रोवाइड कराएगा नागरिकों को। फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय एनएचमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट। फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर उन्हें पार्लियामेंट अगर बनाती है तो उनको नहीं किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड रिक्वायर्ड 2/3 मेजोरिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये बड़ा मुश्किल होता अमेंडमेंट करने के लिए, कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो है उसको 2/3 मेजोरिटी से भारतीय संसद के अंदर क्या किया जा सके, उनको बनाया जा सके, ये बड़ा मुश्किल था। आइए आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स। पहले मैं आपको बता दूं मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में क्या फर्क होता है। यहां पर हमारे पास डिफरेंस दिया गया है, ये फंडामेंटल राइट्स दिया गया बेटा, ये ऑर्डिनरी राइट्स दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक अधिकार जो है उनकी रक्षा और उनकी गारंटी संविधान के द्वारा दी जाती है। ऑर्डिनरी एंड लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। सामान्य जो हमारे पास, हम कहेंगे कि कानून है, उनको सामान्य कानून के द्वारा ही लागू किया जाता है बेटा। आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अपने टॉपिक को उठाएंगे। थैंक यू।